अच्छ शाम का खाना बना रहे हैं, तो शाम का खाना जरा बना रहे हैं, उसके फिर शेयर करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर से शाम का खाना बना रहे हैं। और जाके चला रहे सब तो पहले गैस जी पिछो बंद वा कोशिश करते चला कहते सुल्तान कैसे हैं जी आप सब, अमीरता जी आप सब कैसे होंगे, लगता आपको खुश रखे हर आने वाले दुख तकलीफ तो बचा दिए जी प्यारी शुरू करते हैं, शुरू करने पहले छोटी जिज करते हैं मेरे भैया जी ने अज का प्रवीण चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो बैलाइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि सभी आने वाली अपनी वीडियो नोटिफिकेशन मेरे भैन जी को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह जी खाना बना रहे हैं, हर चीज़ माशाल्लाह रेडी हो गई है, मेरे भैन भी देख सकते हैं मैं सारा समान अपने को शाम के खाने का तैयार करके रख लिया वा, क्योंकि अज असी खाने च बना रहे हैं जी अपनी एक छोटी जी रैसपी अपने घर का शेयर कर रहे हैं। अब बना रहे हैं खाने के मटर और आलू वाले पुलाव, आलू मटर वाला पुलाव बना रहे हैं। तो अज चावल ना मैं देख लैनी अगर वैसे एक नज़र देखे से और मजीद एक नज़र मैं देख लैनी हूँ ताकि फिर मैं जो पानी पा रहे धो पिछले दिन देख पकाई थोड़ा जिना बचा अल्लाह हर एक ने रोजे रखे बस रोजे भी चल दे रही है बस बहुत शिद्दत नाल इंतजार है रमजान शरीफ जी। चलो ये बच्चे याद ऐड करो अच्छे तरीके नाल इन तो ढक्कन के नाल ब्राउन होने ढक्कन के ऊपर माशाल्लाह जी आप दा प्रवीण चावल धोना रही है ते मैं ते मेरी बेगम साहबा जो है असी चावल बना रहे हैं जी ते आप दा प्रवीण बेगम साहब ने कहा जी तुसी चावल तो कमें दे दो बाकी काम साडा है। चावल आज प्रवीण ने देख लिया ने प्याज प्याज बिल्कुल सारे ब्राउन हो चुके हैं और हल्के हल्के ब्राउन हल्के हल्के वाइट ने इन्हां दे विच जरा लगाना पानी थोड़ा जिना इन्हां दे उपर दिने आ ढक्कन थोड़ा जिन्ना चावल आता है जरा अच्छा कलर देखना पाता हूँ सबसे पहले हम इसे कर देंगे बाटर और दूसरे नंबर पे सफल मिर्च और नींबू मिला आलू और तीसरे नंबर पे थोड़ा जिन्ना जी अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया और उन्होंने अच्छे तरीके मिक्स कर लिया जी जमा है मैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ माशाल्लाह लो मेरे बच्चे इस साल आलू कटे बड़े मजेदार लगते पे हैं। अरे मटर क्या है मटर चाहिए पावा के तो मटर मैं काट के ऐसे के फ्रिज में बॉईल करके अरे कुछ अरे भी बड़े बने हुए ने फ्रिज में रखे से बॉईल करके ये मैं बाद में ऐड करूंगी। सही हो माशाल्लाह आप तो पूरी चावल ही तो के ले आइए ते साजा परवीन चावल बना रही है। पकौड़े भी बनाया करांगे फिर आपा चिप्स भी बनाया करांगे आपा बहुत सारी चीजा बनाया करांगे ठीक हो गया ना फिर मेरे बेटा पेट भर भरे खाया करेगा ओके पानी उबल लग जाएगा चावल ऐड करो और दिन मगे चावल दिन पानी बेटे कम है ज्यादा बाबा पानी लेके आएंगे इस चावल में मजीद और पानी ऐड करेंगे बना रहे हैं लेकिन बना इतने मसाले वाले मसाले पाए सारे मसाले पाए लेकिन कम पाए ए, देखो फिर कैसा टेस्ट बनना वा लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा ही टेस्ट बनेगा क्योंकि मैं चावल बनावा बच्चे बहुत शौक नाल खाते हैं तकरीबन अच्छे ही होंगे देखो फिर कैसे बनते हैं बच्चे कैसे खाते खुश हो गए लेकिन सारे बच्चे बहुत खुश ने लेकिन चावल खाते हैं क्यों अच्छी चावल बहुत कम बनाई थे मैं चावल नहीं बनाती बस अज जो फिर चावल बना रहे हैं और अल्लाह खैर करेगा पानी जो ऐड कर चुके हैं कर दें वेट कर रहे हैं जो पानी उबलेगा फिर चावल ऐड कर पानी जी पानी उबला लग गया और चावल ऐड करते हैं चावल भी अच्छे वाले नहीं रहे है टोटा चावल ने अच्छे वाले तो बहुत महंगे ने जो टोटा वा टोटा उस तो भी महंगा पा बार कौन आया देखो और दूसरी बैठ गया दरवाजा खोलो सारा ही तो बैठ में बैठ के पालो मेरे बेटे मिक्स कर दे तरीके और मिक्स करने के बाद ज्यादा पकन दिने और नाल ही मटर ऐड कर दें जो मटर मेरी याद करता मैं मटर निकाल के बॉयल करके रख दी मटर मैं बॉयल करके रखे थे फिर अज मटर वाला नहीं आया मैं बदारो मटर नहीं ले मैं चलो ये जो निकाल बनाए थे दो पैकेट पै तीन पैकेट पैदे नहीं ना था हाँ जी तीन पैकेट से एक पैकेट मैं निकाल के ऐड कर लिया दो पैकेट वाले मेरे को पे फिर इसलिए कोई होर सब्जी वाला जिम्मे आया
जो सब्जी बच जाती मेरी आदत है फिर मैं मटर वगैरह जो भी होंगे निकाल के फ्रिज रख दिनी उनका मटर निकाल के बॉयल करके पैकेट बना के फ्रिज रख दिते तो चलो जी अज वाहवा माशाला इस्तेमाल च आ गए ने और अच्छी गल है चावल का टेस्ट भी अच्छा निकल आया लेकिन आपका भी कह रही सब्जी आलू वाले लेकिन मटर भी होना चाहिए आपका जी आलू मटर बहुत शौक न खाँदी है बहुत शौकीन आलू मटर की किसी दिन वह सालन भी पका के बना गया तुम कह रहे थे कि भाजी आलू आलू मटर खाने दिल कर रहे हैं वही बनावे किसी दिन अलग करके माशाल्लाह जी चावल सारे चावल चले जी हम दे रहे हैं जी बेगम साहब दम इस तो बाद दम पता गए मेहमान भी आ गए ये बंदे तेरे मेहमान या सारा है या मेहमान कोई तेरा बंदा है हो गए जी दम पूरा दम देता जी दम तैयार हो गया वा और जे हम दम दो चार उतारांगे फिर बच्चे बिठा के खिलावांगे बच्चे सारे खाएंगे तो फिर खाद दसेंगे कैसे बने हैं चलो जी सारा आ गए सर भी मेहमान रब की रहमत है सर सारा गया वालेकुम सलाम क्या भाई ठीक हो सारा गया बच्चे पढ़ाने वास्ते फिर बैठ के समझो कि अपने नसीबे नाल लैके मेहमान जी रब की रहमत है भाई आए अपने नसीब नाल लैके आए ने उस बैठ के मिल के सब खाना खावे और साड़ी वैसे भी आदत है चाय पानी ये मतलब बैठ के सारे भाई बंद कट्ठे खाई दा वा तो भाई उन्होंने साड़ी अपनी फैमिली तरह वा साड़ी फैमिली है एक किस्म की जरूरी नहीं होंगे खून के रिश्ते ज्यादा अजीज होन ठीक है ना कि यह जो मूह बोले रिश्ते होंगे ने ज्यादा अजीज होंगे अपने रिश्ते खून के रिश्ते रिश्ते रुस जाए चांद सुनते मन जाते और जो मूह बोले रिश्ते होंगे ने उन्होंने बड़ी प्यार करनी पड़ती और रुस जाते बिल्कुल नहीं मानते बिल्कुल खत्म हो जाती है इस करके मैं कोशिश करती हूँ कि जो मूह बोले रिश्ते उन्होंने कोशिश करा नभा की और इन शाला दिला तो लिखी आ रही है अलहमदुल्ला का शुक्र अच्छी अच्छी आ रही है अज मैं जैन के पापा ने बैठ के रेसिपी बनाई है बहुत अच्छी लगी है ए, देखो जी कैसी बनती है जो मेरे भैन भरा ने खाने बिस्मिल्लाह वेलकम उन्होंने भी आने के नाल शामिल हो जाना वा नहीं तो असं तो फिर खावे चावल